जब सत्ता पक्ष केंद्र के विरोध स्वरूप उपवास पर बैठा है तो भला विपक्ष कैसे शांत रह सकता है। भाजपा के उपवास के विरोध स्वरूप कांग्रेस ने रोशनपुरा चौराहे पर काली पट्टी बांधकर मौन प्रदर्शन किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीसी शर्मा के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इस मौके पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार व्यापम मामले की सीबीआई जांच के आदेश नहीं दे रही है और किसानों के लिए केंद्र से विशेष पैकेज की मांग कर रही है। अगर मुख्यमंत्री और उनके मंत्री व्यापम में उनके द्वारा कमाई गई काली कमाई का एक चौथाई हिस्सा भी किसानों को दे तो उससे किसानों का भला हो जाएगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि व्यापम में इतना बड़ा घोटाला हुआ है, इसका अगर एक जितना पैसा इनके पास आया है मुख्यमंत्री और मंत्री के पास, इसका 1/4 भी बांट देंगे तो किसान खुशहाल हो जाएगा। और व्यापम की जो कमाई की है आपने, उसी में से 1/4 अगर बांट दो, ये भी हम कहना चाहते हैं। वो काली कमाई रखे तुम्हारा भला नहीं होना है। दूसरी ओर आचार संहिता लागू होने के बाद इस तरह से दोनों प्रमुख दलों द्वारा धरना प्रदर्शन किए जाने के जवाब में उन्होंने कांग्रेस के प्रदर्शन को सही ठहराया, लेकिन भाजपा के उपवास को असंवैधानिक और आचार संहिता के खिलाफ बताया। ये हमारी कमाई से जिला कांग्रेस की कमाई से है, लोग कमाई से में बैठे हैं और हमने इसके लिए पुलिस को तल्ला दे दी कि हम हमारी कमाई में एक मौन शांति मिलकर बना रहे हैं। इसका अगर उल्लंघन किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश बंद करा के उन्होंने पूरी जनता को यहाँ पे स्थिर कर दिया है और ये असंवैधानिक है और चुनाव आचार संहिता के खिलाफ है। EMS TV के लिए कैमरा पर्सन शक्ति भारती के साथ नेहा यादव की रिपोर्ट।